वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बलसे वृंदावन बिहारी लाल की। अभी जब कृष्ण ब्रज में लीला कर रहे थे श्री नारद जी आए बोले प्रभु आप ब्रज लीला में इतने डूब गए हो आप भूल गए आप जगत में किस लिए आए हो। अभी कंस को मारना मथुरा में फिर आपको द्वारका में भी जाना वहाँ पर रानियों को साथ में शादी करना बहुत कुछ काम है। अगर आपका आज्ञा हो मैं प्लेटफॉर्म बना दूँ बोले बना दो। इतने में नारद जी कंस को भड़काया बोले कंस तेरे को पता है ये कृष्ण बलराम कौन बोले कौन बोले आकाशवाणी कभी झूठी नहीं है ये देवता का वाणी था। बोले फिर बोले वसुदेव ने कहा था सारे बच्चे तुमको देंगे लेकिन राता रात ही पहुंचा दिया गोकुल में। ये वसुदेव का बेटा ये बलदेव प्रभु भी ये वसुदेव का बेटा है। उनको तो बड़ा क्रोध आया बोले मेरे साथ में धोखे दिया मेरे को अभी मैंने उसको मारता हूँ। बोले देखो जोश में होश को मत खोया करो जैसे तुम एक एक राक्षस भेजा ब्रज में कृष्ण सबको मार डाले अभी भी तेरे पास में कुबलिया हाथी चारों मुष्टि सल तो सल तुम लोग भी आठ भाई हो अभी तुम भी कृष्ण बलराम को बुलाओ धनुष यज्ञ की बहाना से और यहीं पर मिल करके मारो। बोले गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता है तो उन्होंने अक्रूर को भेज करके उन्होंने कृष्ण बलराम को उन्होंने मथुरा में बुलाया। फिर कृष्ण ने किया कि उन्होंने कंस को मथुरा में आकर के कंस को उन्होंने वध किया। जब कंस को वध किया कंस का दो पत्नियां थी एक अस्ति और एक प्राप्ति ये जरासंध की दो बेटी। अभी उनको बेटियों ने जाकर के पिताजी को भड़काए बोले तेरे जो दामाद कंस बहुत अच्छा था लेकिन ये कृष्ण बलराम ने
तुम्हारे दामादों को मार डाला। फिर उसने 70 बार मथुरा को ऊपर में उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन जब 18 बार उन्होंने आक्रमण किया भगवान ने रण छोड़ करके भाग गए, इसलिए ठाकुर का एक नाम भी रण छोड़ नाम पड़ गया। बोले श्री रण छोड़ भगवान की जय। अभी कृष्ण का अभी तक शादी नहीं हुआ, कृष्ण ने देखा पहले बड़े भैया की शादी हो जाए, फिर तो मैं एक दो तो शादी करूंगा नहीं, 16108 पटरानियों को साथ में शादी होगी, पहले दाऊ भैया को तो पहले शादी हो जाए। अभी एक राजा थे रैवत महाराज, इनके रेवती नाम की बड़ी सुंदरी साख्यात लक्ष्मी थी बेटी, लेकिन वो थी सत्यजू की, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी थी। बोले ऐसे कैसे हुआ, बोले सत्यजू में वो साख्यात माँ लक्ष्मी थी, उनको ब्रह्मा जी को पूछने के लिए ब्रह्मलोक में गए, बोले मेरे बेटी की उपयुक्त पति कौन है। उसी समय ब्रह्मा किसी काम में व्यस्त थे, उनको थोड़ी समय वहाँ उनको अपेक्षा करना पड़ा। जब ब्रह्मा जी को पूछे बोले देखो तुम मर्त्य जगत से आए हो ये ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक और मर्त्य जगत में समय बहुत डिफरेंस है, तू आया था त्रेतया युग में, अभी त्रेतया युग भी बीत गया द्वापर, और सत्य युग भी बीत गया, अभी द्वापर का अंतिम समय है। अभी स्वयं भगवान विष्णु ये श्री बलदेव प्रभु रूप में जन्म हुए हैं, तुम्हारी बेटी लक्ष्मी है, इसलिए तुम जाकर के श्री बलदेव से शादी कर दो। लेकिन जब शादी किया ना जोड़ी ठीक बनी नहीं, क्योंकि जो वो थी सत्यजू की वो तो ताल पड़ी जैसे लंबी चौड़ी थी, और बलदेव प्रभु थे द्वापर जू की, और वो बलदेव प्रभु तो घुटन तक, सखाओ ने तो चिढ़ाए, बोले बड़े भाग्य से बड़ी बहू मिलती हैं, बोले शादी की देर नहीं भाई, सखा लोग तो खिली उड़ाने लग गए। इतने में श्री बलदेव प्रभु ने रेवती की कंधे के ऊपर अपने हाल को लगाए और उन्हें धीरे 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 खींचे, खींचते खींचते जब कंधे तक आ गए उन्हें छोड़ दिए, बोले जोड़ी तो बड़ी प्यारी बन गई। बोले श्री बलदेव प्रभु की, बोले श्री रोहिणी देवी की, बोले श्री रेवती देवी की। अभी भगवान कृष्ण का शादी होने वाले हैं, अरे बर दूल्हा को बनाया कि नहीं, बनाया कि नहीं, दोनों को बन गया, तैयारी है सब, कैसे हो रही ना, कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखो हम लोग ने ये भागवत कथा 7 दिन तक सुने हैं, कितना दिन तक सुने हैं, 7 दिन तक। नियम है कथा सुन करके कुछ कथा से लेनी चाहिए और कथा में कुछ देनी चाहिए, कहते ले किया और दे किया, बोले कथा से भगवान की भक्ति कर लो और जितने गंदी चीज को छोड़ दो। विशेष करके भागवत कथा से हमें 4 चीज लेनी चाहिए, कितना चीज लेनी चाहिए, 4 चीज क्या क्या लेनी चाहिए, कहते जो भागवत का जो सार है अगर ये भागवत को मंथन की जाए इससे जो मक्खन निकलेगा ना वो ठाकुर का नाम ही निकलेगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब भागवत को उन्होंने प्रारंभ की, भगवान का नाम से ही उन्होंने प्रारंभ किया, जब भागवत को उन्होंने समाप्त किया ठाकुर का नाम से ही उन्होंने समाप्त किया। इसका मतलब है भागवत का सार ठाकुर जी की नाम है, अगर भागवत से ठाकुर का नाम को अगर हमने ग्रहण कर लिया समझो ये पूरी भागवत कथा सुनना हमारी सार्थक कथा हो गया। इसलिए आपके एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, अक्सर करके मैं सुनाता हूँ, कहते एक राजा के 4 रानियाँ थी, कितना रानियाँ थी, 4। अब ये कथा सुनाने के बाद मैं किसी को भी पूछूंगा देखूंगा, जो नहीं बोल पाएगा ना उसको मैं खड़े कर दूंगा, इसलिए ध्यान से सुनो। ऐसे एक राजा के कितना रानियाँ थी, 4 रानियाँ थी। जो सबसे बड़ी रानी थी राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसका मन पसंद चीज को दे दे कर उसको खुश रखता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी कहते 4 रानियों में वो सबसे सुंदरी थी, हर व्यक्ति चाहता ना मेरी पत्नी सुंदरी हो, इसलिए राजा जब नगर घूमने जाते थे उसको अच्छे तरह से सजा धजा करके रथ में बैठा लेते थे और दुनिया को दिखाया करते थे देखो मेरी रानी कितने प्यारी कितने सुंदरी है। राजा की जो 3री नंबर की रानी थी वो बड़ी मीठी मीठी बोली बोलती थी, इसलिए राजा जब अपना महल में आते थे वो 3री नंबर रानी को पास में बैठते थे, वो जो मीठी मीठी बोली बोलती थी इसको सुन सुनकर खुश होते थे। अभी राजा की जो 4थी नंबर की रानी थी है तो बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी, लेकिन इसको दुर्भाग्य है, लेकिन जब से उसको घर में शादी करके लाए
तब से ये रानी को साथ में उन्होंने कोई भी संबंध नहीं रखा, कभी भी पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी ताबूत तेल है कि नहीं, कभी भी उनने पूछा नहीं। वो बेचारी बड़ी दुखी रहती थी, मेरे को शादी करके लाए लेकिन मेरे को पूछ नहीं रहे। अभी राजा का जाने का समय हो गया, उसने देखा मेरे चार चार रानियां हैं, इनसे पूछ करके देखता हूँ कौन कहाँ तक मेरी साथ देती है। सबसे बड़ी रानी के नंबर आए। बड़ी रानी कौन थी? अरे बोलो, अभी अभी भूल गए। बड़ी रानी कौन थी? राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, उसकी मन पसंद को चीज को दे देकर उसको खुश रखता था। तो उन्होंने सबसे बड़ी रानी से पूछी, बोले रानी तेरे को तो मैं तो बहुत प्रेम करता था। बोले हाँ। बोले मेरे अंतिम समय आ गया जाने का, चलोगी? लेकिन वो सबसे धोखे देने वाले निकले। बोले तेरे साथ में एक कदम भी नहीं चलूंगी। बोले तेरे को जब मैं इतना प्रेम करता था, बोले तेरा कर्तव्य था, बोले तेरी, बोले मेरी कोई कर्तव्य नहीं तेरे प्रति। राजा को तो बड़ा कष्ट मिला, ये कैसे? अभी राजा उसने दूसरी रानी से पूछा, दूसरी रानी कौन थी? अरे बोलो जोर से। जो ज्यादा सुंदर थी, राजा जिसको रथ में बैठा करके सारा दुनिया को दिखा देते, देखो ये रानी मेरी कितने सुंदरी। तब उन्होंने सबसे सुंदरी रानी से पूछे, बोले रानी तू साथ में चलोगी? बोले मैं तो देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगे? बोले देख मैं कितने सुंदरी। बोले है तो तू बड़ी प्यारी। बोले मैं जहाँ जाऊंगी वही मेरे को पसंद कर लेगा, मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी। राजा तो इसको सुन करके उसको प्यार को नीचे जमीन सर दिया। बोले ये क्या बोल रही है, वो देख रहे हैं मैं कब मरूंगी और दूसरे से शादी करेगी। सोचा तीसरे नंबर से पूछे, तीसरी नंबर कौन थी? बोला अब लोग क्यों सुन नहीं रहे कथा? हाँ, जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था और मन को खुश रखता था। तब उन्हें तीसरी नंबर रानी से पूछी, बोले रानी तू क्या करोगी? वो थोड़ी अच्छी निकली। बोले तेरे साथ में मैं चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चल सकती। बोले आगे, बोले ज्यादा बोलोगे ना दरवाजे से सारे कदम आगे बढ़ सकती हूँ लेकिन आगे नहीं निकल सकती। बोले दरवाजा तक चलना थोड़ी कोई चलना कहते तो, बोले वही तक ही चल सकती हूँ। तब उन्होंने फिर चौथी रानी से पूछा, चौथी रानी कौन थी? जोर से बोला। राजा जीवन में सबसे ज्यादा जिसको नेग्लेक्ट कर रखा था, बेकार किसी काम की नहीं है, उसको कभी पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं। लेकिन जब उसको पूछा, राजा सोच रहा था इसको पूछूं कि नहीं पूछूं, क्योंकि आप जिसके लिए करोगे उसको तो पूछोगे ना। कल इसके लिए तो मैंने कभी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, पर इसको पूछूं कैसे? फिर सोचा जब ये मेरी रानी है एक बार उसको पूछ करके देख ही लेता हूँ। तो उन्हें चौथी रानी से पूछा, बोले साथ में चलोगी? चौथी नंबर रानी बोली तेरे को शर्म नहीं लग रहा? तू जब से मेरे को शादी करके लाए हो कभी तुमने पूछा तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं? लोग खातिर से कभी पूछा? जिंदगी भर तो पूछा ही नहीं और अंतिम समय में कहते साथ में चलोगी? बोले देख राजा, भले ही तू मेरे साथ में तो बेईमानी की लेकिन मैं बेईमानी नहीं करूंगी, मैं तुमको दिल से सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ, सबसे ज्यादा तेरे को मैं प्रेम करती हूँ, इसलिए तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी दुख में दुखी बन करके रहूंगी, बिना खाए पिए तेरे को मैं खाना खिलाऊंगी। राजा को बड़े आश्चर्य हुआ, जिनके लिए मैंने जिंदगी दिया वो कोई जाने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए मैं कुछ भी नहीं किया वही जाने के लिए तैयार। देखो इसकी रहस्य को सुन लो, अच्छे तरह से सुन लो, बाद में फिर मैं पूछूंगा, ठीक है? बोले सबसे बड़ी रानी मतलब क्या? ये हमारे जीवन की कथा है, जिसको हम जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, वो जिस चीज की मांग करती है ना, भले ही चोरी गुंडागिरी कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े, हम उसको ला करके उसकी मन की इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन जब हमारे अंतिम समय आएगा ना, एक कदम भी वो हमारे साथ में चलने वाले नहीं। वो कौन है जिसको अभी सबसे ज्यादा प्रेम करते हो? बोलो किसको प्रेम करते हो? कहते हम अपने आप को ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। ये शरीर को जो प्रेम करता है, खिलाता है पिलाता है उसको, ये शरीर जिस समय जो मांगता है, बोले ब्यूटी पार्लर चलोगे? बोले चलो, फिर सजाएंगे। बोले मल में घूमने चलोगे? बोले चलो। बोले ऐसे साड़ी पहनोगे? बोले चलो। बोले ऐसे गोलगप्पे खाओगे? बोले दुकान में चलो खिलाएंगे। सिनेमा देखने चलोगे? चलो तेरे को खिला। ये शरीर जिस समय हमें जिस चीज की मांग करती है उसी समय में ही हम ला करके उसको इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन अंतिम समय में पूछा साथ में चलोगी?
बोले तेरे साथ में एक कदम भी मैं नहीं चलूंगी। मतलब क्या है? बोले जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, जब शरीर से हंस परमात्मा चले जाए, फिर तो हमें जितने जल्दी परिवार को बुलाते जल्दी जल्दी निकालो, 13 दिन तक अपने भीतर रहते, निकालो इसको घर से है। इसलिए शरीर भी अंतिम समय में साथ नहीं देती। अभी दूसरी नंबर कौन थी? सबसे जो सुंदरी थी, राजा जिसको दुनिया को दिखाया करते थे, देखो मेरी पत्नी कितने सुंदरी, कभी ये कौन है, कभी ये पैसा है। पैसा रहेगा तो बढ़िया गाड़ी खरीद करेंगे, बढ़िया मकान बनाएंगे, बढ़िया दुकान मकान बनाएंगे, बढ़िया पहनेंगे, हैं? ये पैसा की कमाल है जिसको हम दुनिया को दिखाते हैं। लेकिन जब अंतिम समय आया, पैसा से पूछे साथ में चलोगी, बोले चलूंगी क्या, मैं तो देख रहा हूँ तू कब मरोगी, मैं दूसरे से शादी करने वाली हूँ। इसका मतलब क्या है? ये शरीर छूटते ही हमारे नाम पर जितने प्रॉपर्टी पैसा है वो झट दूसरों को नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। वो पैसा साथ में नहीं जाएगा, कि सुई धागा भी साथ में नहीं जाएगा संसार से। लेकिन जब किसी व्यक्ति को बोलो ना भैया थोड़ा भजन करो, भक्ति करो, बोले बेकार काम, जिसका कोई काम धाम नहीं ना, वही सब माला जप करते हैं। हम तो पैसे बच्चों के लिए कुछ पैसा कमा करके जाएंगे। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे नहीं, ज़्यादा पैसा कमा कर मत जाया करो, मना करते थे। क्यों? बच्चा हो ना होगा तो कमा ही लेगा, अगर बिगड़ेगा ना, जितने पैसा कमा रहे हो सब मिट्टी में मिला देगा। इसलिए ऐसे धन कमाओ जो तेरी साथ में जाने वाले वो धन हैं। इसलिए दूसरी पत्नी भी यहीं रह गई। तीसरी पत्नी कौन थी? जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, मन की बात करता था। तीसरी नंबर से पूछी, तीसरी वो कौन है? पहला पत्नी। पत्नी से पूछा, बोले साथ में चलोगी? जिसको 7 बार फेरा लगा करके अग्नि की साखी करके शादी किया था, बोले साथ में चलोगी? बोले चलूंगी, लेकिन दरवाजा तो नहीं चल सकती। बोले आगे, बोले ज्यादा बोलोगे ना, वहां से तो 3 कदम आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन तेरे साथ में मैं नहीं जा सकती हूँ। परिवार वालों से पूछे चलोगे? बोले क्यों नहीं, तेरे लिए बढ़िया रथ सजाएंगे और राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे। बोले कहाँ तक? बोले शमशान तक। बोले उसको बाद में? बोले और नहीं चल सकते। देखो अभी ध्यान देकर सुनो, चौथी नंबर, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट रखा था, ये बेकार काम है, हैं? ये किसी काम की नहीं, लेकिन जब अंतिम समय आया उसको पूछा ना साथ में चलोगी, वही जाने के लिए तैयारी होती। बोले राजा तेरे को सबसे ज्यादा प्रेम में करती, और जिसको प्रेम करने दिख रहा था ना वो प्रेम नहीं कर रहे थे, देखा है ना, सबके सब साथ तेरे छोड़ दिए, कोई साथ में तेरे गए नहीं है, लेकिन अंतिम समय में मैं तेरे साथ में चलूंगी, तेरे को मैं सबसे ज्यादा मैं प्रेम करती हूँ। कहती वो कौन है जो सबसे ज्यादा प्रेम हमें करते हैं, हैं? लेकिन हम उसको सबसे ज्यादा नफरत करके रखे। कहती भगवान की भक्ति, भगवान के नाम है। इसलिए अंतिम समय में जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? हमारे भारत में यही बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा, यही बोलते हैं ना। बेटा जितने तेने राम का कृष्ण का नाम लिया, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ कमाया धमाया, जो कुछ किया है, सब यही छोड़ करके जा रहे हो, यहाँ से कुछ भी नहीं जा रहा है तेरे सामने। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जीवन में मिला क्या तुमको? बोले वस्तु अमोल को धीम रे सदगुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहते चोर नहीं लेवे, लूटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सवार, ये धन कोई नहीं ले सकता है। अगर पिताजी कमाएगा ना बेटा नहीं ले सकता है, बेटा कमाएगा तो पिता नहीं ले सकता है, पत्नी कमाएगा तो पति नहीं ले सकता है, पति कमाएगा तो पत्नी नहीं ले सकती है, जो केवल कमाएगा केवल वही ये धन का धनी बनेगा, और अगली जीवन में ब्याज समेत तुमको मिलेगी, ब्याज समेत। इसलिए वीरा दूसरी भजन में गाती हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा आबाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखेरा हूं गली गली, और जिन जिन ने यह मोती लूटे उसको माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी केवल ये संसार का माया को कमाने में लग गए, आखिर वो कंगाल हुए। कहते कौन कौन कमाए? बोले तुलसी मीरा और नरसिका, देखो इनका नाम
हनुमान कब आए बताओ तो? त्रेता युग में आए थे। ध्रुव प्रहलाद कब आए थे? सत्य युग में आए थे। कहां करोड़ों साल पहले आए, मीरा कब आई? लेकिन अभी देखो इनका नाम जगत में अमर है कि नहीं, भागवत इनकी कथा में सुनते हैं इसलिए। लेकिन अभी का जो यंग स्टार है ना, कहते बॉलीवुड में सब हीरो हीरोइन यहाँ बनी गई। अब तो पता चलता होगा किसको किया, ड्रग देकर मार दिया किसको, किसको मार दिया, क्या ना, सुशांत। इसलिए अगर हीरो बनना चाहते हो ना, भगवान की भक्त बन करके हीरो बनो। ये जगत का जितने हीरो हीरोइन 20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी कोई उनका नाम ले रहे क्या जगत में? कोई नहीं ले रहे। लेकिन हनुमान जी को देखो, करोड़ साल पहले है इनका नाम है। ध्रुव प्रहलाद को देखो, अगर बड़ा बनना तो भगवान की भक्त बन करके हीरो बनो। जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी पूजा होती रहेगी, सारा दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी। इसी जगत का जितने बड़े से बड़े बन जाओ, जैसे मनमोहन सिंह है, पहले प्राइम मिनिस्टर था, अभी कोई पूछ रहे उसको दुनिया में? कोई पूछ रहे उसको? कोई नहीं पूछ रहे। इसलिए जगत का बड़े से बड़े डिग्री, बड़े से बड़े पोस्ट दो दिन बाद में सारे खत्म हो जाएगा। लेकिन जो भगवान की भक्त बन जाते हैं, इनकी नाम जगत में केवल अमर होता है, हैं? इसलिए अगर धनी बनेंगे तो भगवान के नाम धन में धनी बनो, और यही धन ही काम में आएगा। यहाँ की कोई चीज तुम्हारी काम में आने वाले नहीं। इसलिए ये भागवत हमें यही शिक्षा देता है। ये भागवत का सार ही प्रभु का नाम ही है, और किसका सार नहीं है। इसलिए हनुमान जी को देखो, क्यों हनुमान जी का जगत में पूजा है? गोस्वामी जी कहते हैं, बोले सुमेरी पवन सुत पावन नामो, सुमेरी सुमे पवन सुत पावन नामो, सुमेरी पवन सुत पावन नामो, सुमेरी पवन सुत पावन नामो। आपन वास करे राज रामो, आपन वास करे राज रामो, सुमेरी पवन सुत पावन नामो, सुमेरी पवन सुत पावन नामो। इसलिए कहते भगवान की पवित्र नाम को जप करते करते हनुमान भगवान को वशीभूत कर दिया। आप लोगों ने गणेश जी का नाम सुने हो, कौन कौन गणेश जी का नाम जानते हो? सब जानते हो। कहते ये गणेश जी का अग्र पूजा क्यों होता है? गोस्वामी जी कहते हैं, बोले एक समय 33 करोड़ देवता में मीटिंग हुई, अग्र पूजा किसको होनी चाहिए? बोले देखो, अग्र पूजा उसको होगी ये विश्व ब्रह्मांड को जो पहले परिक्रमा करके आ जाएगा। अभी सब लोग ब्रह्मा जी हंस वाहन में, कार्तिक मोर वाहन में सब भगे। देखो केवल भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितने पार्टी कितने लड़ाई झगड़ा है, लेकिन सारे देवता में पहला पूजा होगा ये कोई साधारण बात नहीं था। ये सारे देवा देवी अपना वाहन को लेकर भगे। अभी गणेश जी कहाँ जाएंगे? खैर गणेश जी का वाहन कौन है बोलो जोर से? ये चूहा है। अभी गणेश जी चूहा को लेकर कहाँ जाएंगे? इतने में नारद जी आए, बोले क्या बात? बोले ऐसे ऐसे, बोले कोई चिंता मत करो, भगवान का नाम को लिखो, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। नाम लिखो, इसको 3 बार तुम परिक्रमा कर लो, क्योंकि भगवान को अंदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड ठाकुर जी के अंदर में, पता नहीं वो तो कितने दिनों में ये विश्व ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आएंगे। तुम्हारी एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड की तुमने 3-3 बार परिक्रमा कर ली। कोई साल में, कोई 2 साल में पसीना तरवर होकर के आए। जब आए मीटिंग हुई, किसने कहा मैं ना आया, किसने कहा तेरे से पहले मैं आ गया, चौथा बोले तुमने देखा नहीं मेरे को तेरे से पहले, गणेश जी बोले सब चुप रहो, सबसे पहले मैं ही आया हूँ, तुम लोग तो एक ब्रह्मांड को पता नहीं कितना दिनों में परिक्रमा करके आए, मैं तो अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को मैंने परिक्रमा की। सब लोग तो ठाल लगा कर हंसे, चूहा जहाँ के तहाँ बैठा हुआ और चूहा को ऊपर कहता अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को मैंने परिक्रमा लगा ली। पर नारद जी व्याख्या के बोले नहीं, इसने प्रभु का नाम को उन्होंने परिक्रमा की, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं,
हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव, ये प्रथम पूज्यत पहला पूजा क्यों हो रहा है, बोले नाम की प्रभाव से केवल ये गणेश जी की पूजा हो रही। आप भोले बाबा का नाम सुने हो, कौन कौन भोले बाबा का नाम जानते हो? देखो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले महामंत्र जयी जपत महिषा काशी मुक्ति हेतु उपदेशा। इसलिए शंकर जी पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, शंकर जी पंच मुह में भगवान के नाम लेते हैं। इसलिए काशी में जो करवट लेने जाते हैं अंतिम समय में उनको कानों में भगवान राम का नाम दे करके शंकर जी मुक्ति प्रदान करते हैं। माँ देवी का नाम जानते हो? माँ देवी अभी नवदुर्गा आएगी ना, हैं कहती ये देवी की पूजा क्यों हो रही है? अब रामायण पढ़ करके देखो, एक दिन पार्वती शंकर जी से प्रश्न करती है, बोले प्रभु किसका नाम को हम ग्रहण करें? शंकर स्वयं कहते हैं बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम अविस्तुल्यम श्री राम नाम बरान। हे सुंदरी पार्वती, जो राम का नाम है 1000 विष्णु सहस्र नाम करने से जो फल मिला एक बार श्री राम नाम से सही फल मिलेगा। इसलिए कहते सहस्र नाम सुनि प्रिय वाणी जपी जई प्रिय संग भवानी। शंकर जी पार्वती की इतनी प्यारी क्यों है? गोस्वामी जी कहते कारण है पार्वती दिन रात उनका 8 हाथों में देखना एक माला है। सरस्वती को देखे होंगे एक हाथ में माला देखोगे, ब्रह्मा जी को देखे होंगे एक हाथ में माला है। इसलिए जगत में जो जितने प्रभु का नाम जप किया है ना जगत में उसका उतना बड़ा पोस्ट मिला, उतना बड़ा उसने बना केवल प्रभु का नाम से ही। इसलिए अंतिम समय में प्रभु का नाम ही जाएगा साथ में। इसलिए सवेरे क्या करो, नहा धो करके थोड़ी समय ठाकुर के सामने बैठो। जिसने तुम्हें दुनिया दिया सारा सब कुछ दिया उसके लिए कुछ नहीं करते, दूसरे के लिए तो जो कुछ देगा नहीं उसको पीछे हम जिंदगी भर लगे हुए, और जो कुछ देने वाले ना उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते और वही साथ में जाने वाले। इसलिए क्या करना चाहिए आप बताओ, 4 रानियों में सबसे कौन सा रानी को आप पसंद करोगे? प्यार करके बोलो जोर से, अरे जोर से बोलो बाबा, आप लोग बड़े पंडित हो। इसलिए चौथी रानी प्रभु का नाम है, केवल नाम ही साथ में जाएगा और भागवत का सार नाम। और भागवत से क्या लो, बोले 4 चीज भागवत में बताया, 4 चीज में कली का निवास है, 4 चीज हमें छोड़नी चाहिए। जब परीक्षित महाराज भ्रमण कर रहे थे उनने देखा है कि गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही है, और एक बैल को 3 प्यार नहीं 1 प्यार में खड़ा हुआ एक राक्षस जैसे व्यक्ति एक प्यार को तोड़ रहा था। परीक्षित महाराज तलवार निकाल कर झपट पड़े, तू है कौन? बोले ये कली। बोले ये क्या कर रहे हो, ये कौन है? बोले धर्म है। बोले इसका 3 प्यार गया कहाँ? बोले सत्य त्रेता द्वापर 3 युग बीत गया, इसलिए धर्म का 3 चरण खत्म है और कली युग में धर्म केवल दान के ऊपर खड़ा हुआ। बोले तू क्या कर रहे हो? बोले उसको कली युग में कोई धर्म कर्म को मैं रहने नहीं देना चाहता हूँ, खत्म कर देना चाहता हूँ। परीक्षित महाराज बोले नहीं, जब तक मैं रहूंगा दुनिया में तुम कुछ भी नहीं कर सकते, देश से निकल जाओ। बोले कहाँ जाऊँगा, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर अभी आपका राजत्व है, मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ पर? बोले जहाँ इच्छा। बोले नहीं, मेरे को स्थान दे दो। तब श्री परीक्षित महाराज ने देखा कलेर दोषन इधर राजन, कलिजुग तो दोष की दोष से आगा रहे लेकिन वहाँ पर एक कलिजुग में एक विशेष गुण भी है, इसलिए उन्होंने कलिजुग को उन्होंने स्थान दे दिया। बोले विशेष क्या गुण है? बोले कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्तम ब्रज परम्परज। बोले कलिजुग में ज़्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, जैसे सत्ययुग में ध्यान था, द्वापर में था यज्ञ, द्वापर में अर्चन बड़ा कठिन साधन था, लेकिन कलिजुग में ज़्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, केवल होंट हिलने पर ठाकुर जी का नाम उच्चारण होता है, हैं। इसलिए उन्होंने कलिजुग को उन्होंने बोले भैया तू रहो, क्योंकि तुम्हें गुण है, केवल प्रभु का नाम से जीव का उद्धार होगा। लेकिन कलिजुग को उन्होंने स्थान दिया। बोले कहाँ कहाँ पर दिया? देखो जैसे हमें कोई बीमारी, कोई अच्छे डॉक्टर के पास में गई, सचमुच से वो डॉक्टर हमारी बीमारी सही करना चाहता है, वो क्या बोलेगा? बोले भैया दवा तो बढ़िया दे रहा हूँ, लेकिन परहेज को साथ में दवा लोगे तो दवा जल्दी असर करेगा। इसलिए भागवत में नाम तो मीठी दवा है लेकिन इसका परहेज 4 नियम है, अगर ये 4 नियमों को पालन करते हुए नाम करेंगे तो ये नाम हमें भगवत प्राप्ति कराएगा।
शांति सुख प्रदान करेगा। चार नियम किया, इसको ध्यान देकर सुना। पहला नंबर दुतव, दुतव मतलब जुआ नहीं खेलनी चाहिए। कि धर्म का पहला नंबर सत्य है, जो जुआ खेलते हैं ना वो कभी सच नहीं बोल सकते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, बोले देखो मैंने जुआ खेल करके मेरा कितना सर्वनाश हो गया, मेरा राज्य गया, भाई गए, भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरण हुई और 13 साल तक हमें जंगल में रहना पड़ा। इसलिए खबरदार कभी जुआ में हाथ मत लगाया करो। दूसरा है पानम, पानम मतलब होता है कोई नस्ली वस्तु को मत लिया करो, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, ये सब चीज को हमें नहीं लेनी चाहिए। इसलिए संत लोग कहते हैं जो शराब पीते हैं ना उनका 3 लाभ है। शराब पीने वालों का कितना लाभ है, जोर से बोला, बोले 3 लाभ दिया है। बोले पहला लाभ है वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। बोले दूसरा लाभ किया, बोले उसका घर में चोरी नहीं होगी। बोले तीसरा लाभ किया, बोले कुत्ते उसका दोस्त बनेंगे। बोले मतलब क्या, बोले बूढ़ा नहीं होगा। शराब पीने वाले बूढ़ा होगा नहीं मतलब क्या, बोले जिंदा रहे तभी तो बूढ़ा होगा ना, वो तो पी पी करके आधा उम्र में खत्म हो जाएगा, बूढ़ा कहाँ से होगा। दूसरा नंबर कद घर में चोरी नहीं होगी, बोले चोरी कब होगा, घर में कुछ रहे तभी तो चोरी होगा ना, वो तो सब बेच बाच कर पी पा कर खत्म कर देगा, चोरी कहाँ से होगी। तीसरा नंबर कुत्ते दोस्त बनेंगे। कुछ दिन पहले के वीडियो आया था, देखे होंगे, कोई एक व्यक्ति शराब पीकर लेटा हुआ, ज्ञान नहीं, कुत्ता आकर के मुंह उसका चाट रहा था। इसलिए ये सब चीज से हमें दूर रहनी चाहिए। देखो अगर पिता माता अगर दूर रहेंगे, बच्चे तो पिता माता से सीखेंगे ना, पिता माता पहला गुरु, अभी पिता माता जो करेंगे बच्चे तो वही सीखेंगे ना। अगर पिता माता अगर स्वयं पीते हैं फिर बच्चों को मना नहीं कर सकते, बेटा तू मत पिया करो, क्यों, पहला गुरु आप हो। इसलिए ये सब चीज से हमें दूर रह करके, नशा एक ही नशा हो, भगवान की भक्ति की नशा हो, केवल प्रभु की प्रेम की नशा हो, और सारी नशा हमारी छूट जानी चाहिए हैं। इसको द्वारा क्या होता है, इसको ग्रहण करने से कहते जो धर्म का जो चरण है, कहते जो सत्य ये सब के सब नष्ट हो जाता है, उम्र नष्ट हो जाती है। तीसरा नंबर है स्त्रियम, स्त्रियों का मतलब स्त्रियों के ऊपर में भी कली है। बोले कौन सा स्त्रियों के ऊपर में, कहते संसार करो शादी शुदा करके, ऐसे नहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहे हो, शास्त्र इसको स्वीकार नहीं किया। संसार करो शादी शुदा करके, अपना पति को साथ में धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी बैठना चाहिए। वहां पर कली का जो तीसरा नंबर स्थान, कहते अपवित्रता वहां पर नष्ट हो जाती है। चौथा नंबर है कहते जीव हिंसा, जीव हिंसा से कहते हृदय में जो दया है वो दया हमारी नष्ट हो जाती है हृदय से, जीव हिंसा से। जीव हिंसा मतलब जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, हैं, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दया होगा तो हम कभी भी दूसरे जीव को काट करके हम खा नहीं सकते, दयाहीन है, इसलिए हम एक जीव को काट करके खा रहे हैं। और काट करके खाते समय वो जो हा भरता है, वो हा जो भरता है कहाँ जाएगा, जो खा रहे हैं, इसलिए इसका नाम मांस, ये संस्कृत शब्द है, मांग मतलब मुझको, सह मतलब वह, मतलब जिसको खा रहे हो बाद में वही खाएगा। इसलिए अंग्रेजी में कहते मीट है ना, मीट मतलब क्या, मी ईट, बा ईट मी, तू अभी जिसको खा रहे हो बाद में तेरे को जो फिर खाएगा। इसलिए हर भाषा में देखो एक ही शब्द है, अभी जिसको तुम खाते हो बाद में तेरे को फिर जो खाएगा। लेकिन ये हमारे मन में कुछ भ्रम धारणा, क्या भ्रम धारणा, बोले अगर मांस मछली नहीं खाए कमजोरी नहीं हो जाएंगे, फिर हम पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, फिर हम काम धाम कैसे करेंगे। आप जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम सुनो, आइंस्टाइन, इनका नाम सुनो, न्यूटन, बड़े बड़े फिलोसोफर जितने हुए हैं, आप इनका जीवन चरित्र पढ़ करके देखो, ये सब के सब वेजिटेरियन थे, कोई नॉन वेज कोई नहीं थे, ये सब वेजिटेरियन थे। इसलिए हाँ देखो एक कुछ चीज समझा रहा हूँ, जैसे एक तरफ में वेजिटेरियन दूसरे तरफ में नॉन वेज, अच्छे तरह से दिमाग में बैठा, जैसे कुत्ता ये वेज नॉन वेज मांस खाता है, देखना जब थोड़ी सी भागता है ना कुत्ता हाँफने लगता है, सोया हुआ भी देखोगे हाँफते हुए देखोगे। अब डिस्कवरी खोल करके देखो, एक शेर एक बाघ को देखो, ये मांस खाते हैं, जब एक बार मांस खाएंगे 4-5 दिन सोते हुए रहते हैं, क्यों, उसको हजम करना पड़ेगा कच्चा मांस को,
इसलिए सोते रहते हैं, शेर को देखो ऐसे पंजा करके वो हाँफता रहता है। दूसरे तरफ में वेजिटेरियन देखो, एक घोड़ा क्या खाता है बोलो, घास छोला खाता है। जब हम किसी मशीनी को साथ में उदाहरण देते कितने हॉर्स पावर, रेस किसकी होती है, घोड़ा की होता है। हमारे वृंदावन में हम रहते हैं ना, घोड़ा गाड़ी है, दस दस पंद्रह पंद्रह व्यक्ति को बैठा करके घोड़ा कैच कर ले जाते हैं, इतने शक्ति। एक हाथी क्या खाता है बोलो, क्या खाता है, घास पाल खाता है ना, पेड़ पौधा खाता है। इसका इतना बड़ा शरीर दुनिया में किसका है, इतना ताकत है किसकी नहीं। एक बैल क्या खाता है, घास खाता है, दिन भर खेती में दिन भर खेती करता है। एक गधा क्या खाता है, घास खाता है। हम कहते हैं ना तू गधे जैसे काम कर रहे हो, कभी केदारनाथ बद्रीनाथ में गए होंगे, देखोगे जहाँ इंसान नहीं चढ़ सकता है गधा पीठ के ऊपर बैठा कर वो व्यक्ति को ले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर दिखाया जो वेजिटेरियन है उनका शरीर में ज्यादा ताकत है, नॉन वेज में नहीं। हमारे जो गुरु जी की जो गुरु जी थे ना, जानते हो कितना साल तक रहे, 140 साल तक जगत में रहे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, इतने लंबा समय रहते हैं। क्यों, वेजिटेरियन खाने पर आपका जो आयु है वो लंबा होता है, लंबा होता है। क्यों, एक तो जीव हिंसा नहीं किया, दूसरों को मार करके खाया नहीं, वो पाप से परमायु भी नष्ट होता है, ये शरीर भी नष्ट होता है। बोले क्यों, कहते जो शरीर हमारा है ये नॉन वेजिटेरियन नहीं, वेजिटेरियन। देखो कैसे, आप लोग ये चीज़ को समझो, दूसरों को समझाना, ये शरीर कैसे वेजिटेरियन है। जैसे एक कुत्ते बाघ शेर, इनका दांत कैसे हैं, नुकीले नुकीले दांत। क्यों, उनको मांस खाएंगे, इसलिए ठाकुर जी नुकीले नुकीले बनाए। जितना मैंने वेजिटेरियन नाम बताया, बकरी घोड़ा है, जितने गधा, इनका दांत कैसे हैं, हमारी जैसे दांत है, भगवान बनाया है इसे। इसलिए एक शेर कुत्ता कच्चा मांस खा लेता है, हम कच्चा मांस खा सकते हैं, हमारे भोजन वो है ही नहीं, हम तो जोर जबरदस्ती करके उसको खा रहे हैं, उबाल करके मसाला मसाला दे कर खा रहे हैं, वो हमारी भोजन है ही नहीं। जितने नॉन वेजिटेरियन आप देखोगे, रात को उनका आँख को जलते हुए देखोगे, कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, शेर को देखो, जितने मैंने वेजिटेरियन नाम बताया आँख को जलते हुए दिन में नहीं देखोगे। जितने नॉन वेजिटेरियन कैसे पानी पीते हैं आप लोग देखना, वो जीभ से चाट चाट कर पानी पीते हैं, जीभ से पीते हैं। लेकिन जितने वेजिटेरियन नाम बताया कोई जीभ से नहीं, होंठ लगा करके पानी पीते हैं, हैं? क्योंकि जितने नॉन वेजिटेरियन, इनका जो हजम नाड़ी आंत कितने बड़ी है, बोले उनका 2 मीटर है। और जितने वेजिटेरियन नाम बताया, इनका जो आंत 6 मीटर, हमारी नाड़ी 6 मीटर है, उनका 2 मीटर है। इसलिए जल्दी खा करके हमसे 10 गुण ज्यादा हमको हजम सकती, इसलिए कच्चा मांस खाकर वो हजम कर लेते हैं, लेकिन हम हजम नहीं कर सकते। क्यों, वो भोजन हमारा है ही नहीं, भोजन उनका भोजन है, हम तो जोर जबरदस्ती खाते हैं। आप लोग बड़े बड़े जो साइंटिस्ट, जो अमेरिका के जो साइंटिस्ट, उनका कहना है अगर दुनिया में लोग अगर वेजिटेरियन हो जाएंगे, दुनिया में खाने पीने का कोई कमी नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। बोले क्यों, बोले जैसे एक बकरी नहीं तो एक मुर्गा, उसको लालन पालन करने के लिए, खाने पीने के लिए, उसको बड़ा बनाने के लिए, उसको पीछे इतने बेस्ट होता है सब्जी जो सोच नहीं सकते। जिसमें 10 आदमी एक बकरी को बड़ा बनाने के लिए उसको जो खाना पीला खिलाते हैं, उसमें 10 व्यक्ति का लालन पालन हो सकता है। एक मुर्गा को उसको बड़ा बनाने के लिए जो दाना देते हैं, 1 किलो के पीछे 10 किलो हम उसको भी तो बेस्ट करते, जा पर के 1 किलो बनता है। अभी पृथ्वी में पानी धीरे धीरे इसका लेयर कम होते जा रहे हैं, क्यों जानते हो, ये नॉन वेजिटेरियन के लिए, ये साइंटिस्ट का रिसर्च है। एक प्लेट भेज बनाने के लिए 300 लीटर पानी में हो जाएगा, लेकिन 1 किलो नॉन वेज खाने के लिए 8000 लीटर पानी उसको पीछे जाता है, क्योंकि वो पानी पी 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 कर इतना बड़ा होता है ना 8। इसलिए ये नॉन वेज जो खा रहे हैं, ये पृथ्वी का सारे दूसरा जीव का आहार को छीन रहे हैं, सबके सब ये छीन रहे हैं सबके सब। इसलिए साइंटिस्ट लोग कहते हैं, कहते अमेरिका का साइंटिस्ट लोग कहते हैं अगर दुनिया वेजिटेरियन बन जाएंगे तो कहते साल में 50 लाख लोग उससे जीवित रह सकते हैं। और एक भोजन है बिगन, बिगन ना बेगन कहते उसको, बेगन कहते, अगर बेगन सब बन जाए, वो लोग दूध का प्रोटेक्ट चीज कोई नहीं खाती, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, अगर ये हो जाए कहते कम से कम साल में 80 लाख लोग का प्राण बच सकती है, इसको द्वारा लोग सब मरते हैं।
इसलिए कहते पृथ्वी में अगर वेजिटेरियन बन जाए सारा दुनिया दुनिया एक तो शांति हो जाएगा, और हम जिसको मार कर खा रहे हैं अगली जीवन में फिर हमें को यही काट काट करके दो बार फिर खाएगा। क्यों? जो पाप है ना वो अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है, एक एक करके कर्म का फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए जीव हिंसा को हमें त्याग दे करके, और देखो एक किलो मांस बकरी मांस एक किलो कितना है 600-700 रुपया ऐसे ऐसे, उसमें मसला मसला दे करके एक बार खाओ तो 1000 रुपया एक किलो मांस में एक बार खत्म। अब 1000 रुपया का साग सब्जी लिया घर में कितना दिन ही जाएगा बताओ, सप्ताह जाएगा 10 दिन ही जाएगा, तो पैसा बचेगा कि नहीं? पैसा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, पैसा भी बचेगा, हर तरह से कल्याण कल्याण है। और जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। देख लो जैसे एक शेर, जैसे एक कुत्ता, जैसे एक बाघ, इनका स्वभाव कैसे बताओ, इनका स्वभाव कैसे उग्र स्वभाव, क्यों खाते हैं तामसिक भोजन। और जितने मैंने वेजिटेरियन नाम बताया इनका स्वभाव कैसे है, शांत स्वभाव है, स्थिर स्वभाव है। इसलिए हर तरह से वेजिटेरियन में हर तरह से लाभ लाभदायी है। इसलिए आप लोग कोशिश करना प्योर वेजिटेरियन बनो, घर में मांस मछली को घर में प्रवेश मत कराओ। देखो और बुरा मत मानो, मैं एक एक चीज समझाता हूँ। हमारे गुरु जी कहते थे जहाँ पर डेड बॉडी को जहाँ पर जलाते हैं वो स्थान को क्या कहते हैं, बोलो तो बोलो, जहाँ पर डेड बॉडी को जलाते हैं स्थान को क्या बोलते, जोर से बोलो। लेकिन अगर मांस ला करके अगर हमारे घर में पक रहा है तो हमारे घर क्या हो गया बोलो, आप भी बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। जहाँ पर डेड बॉडी को गाड़ देते हैं वो स्थान को क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। अगर मांस मछली को खा करके पेट में गाड़ दिया तो शरीर क्या बन गया हमारे, हाँ आप ही बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। इसलिए ये सब चीज वर्जित करनी चाहिए, शुद्ध रूप में शाकाहारी बन करके भगवान के भजन करो, अपना ये शरीर के लिए किसी प्राणी को हमें कष्ट नहीं देनी चाहिए। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। आपने जो आज बादाम खिलाए भक्त के यहाँ हमको, बादाम खाओ, बादाम खाओ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो हमने पहले बताया ना, देखो हमने पहले बताया ना भागवत का सार भगवान का नाम, क्योंकि अगर प्रभु का नाम कर दो तो समझो सारे वेद पुराण हमारी पढ़ना हो गया सबके सब। जिनकी मन में इच्छा होगी हम भी ठाकुर का नाम जप करेंगे। अब देखो घर में ठाकुर का नाम जप करोगे ना, जिस घर में ठाकुर का नाम जप हो वो घर भगवान का धाम हो जाता है। कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी, ठाकुर का नाम करने से घर का सारे पाप सब दूर हो जाते हैं, सारे पाप चली जाती हैं। हमारे गुरु जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि पत्थर उठाओ पानी में फेंको उसमें क्या होगा, लहरी आएगी। उसी तरह जब हम भगवान के नाम करते हैं इसका जो वाइब्रेशन पूरा घर में जा फैलता है, फैलने पर घर का जितने दुख कष्ट सब के सब दूर हो जाती हैं। इसलिए जिनके मन में इच्छा होगी हम प्रभु का नाम जप करना चाहते हैं, कथा के बाद में एक एक माला ले लेना, एक एक माला लेकर के देखो मेरे तरफ में देखो ध्यान से। एक समय चैतन्य महाप्रभु को भक्तों लोगों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु हमारे घर में आपका भोजन है। लेकिन महाप्रभु बोले देखो मैं सबको घर भोजन नहीं करता हूँ। बोले प्रभु आप किसको घर में भोजन करते हो, बोले जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब उस समय था 1,00,000 स्वर्ण मोहर जिसको घर में हो। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 भी स्वर्ण मोहर नहीं, अरे हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे। अरे महाप्रभु बैठाया समझाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन, बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर का नाम जप करते हैं वो असली लखपति है। अब मेरे तरफ में देखो, पहले अमिताभ बच्चन कोई आता था ना कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, इसलिए भगवान कहते कौन बनेगा लखपति। मेरे तरफ में देख लो अब लखपति कैसे बनेंगे लखपति। देखो ये जो माला है ये अंगुल को हम यहाँ टच नहीं कराते, बोले क्यों, बोले ये अंगुल गंदा अंगुल, ये सबसे पहले निकलता, हम बोलते ना तुमको हम देख लेंगे, इसलिए ये अंगुल को हम बाहर निकालते हैं। और ये बीच वाले अंगुल को ऊपर रख करके जैसे हरे कृष्ण अब लोग मेरे साथ में बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, उसको एक मोती सरकार थे। फिर दो बार बोल कर दो मोती, इसमें 108 मोती। देखो 1,00,000 कैसे होता है, जैसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो 16 बार हो गया एक बार नाम से। इसमें 108 मोती हैं। जब यहाँ पर समाप्त हो जाए फिर इसको, ये सुमेरु राधा कृष्ण का स्वरूप, इसको पार नहीं करते, फिर ऐसे घुमा देते हैं, घुमा करके दूसरे तरफ से करते, फिर बोलते हैं। फिर अगर ऐसे 16 राउंड माला कर लिया वो हिसाब से 25,000 हो गया, अगर 64 माला कर लिया ना वो हो गया 1,00,000। भगवान स्वयं कहते हैं बोले 1,00,000 तुमने माला नहीं की, आज तुम्हारी नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। बोले भैया इसका ब्याज तो मिलेगा। बोले दीन दीन बढ़त सवाय, मीरा कहती है आज अगर 1,00,000 नाम किया तो कल तुमको 1,25,000 और 4 दिन में 2,00,000। इसी जगत में बैंक में अगर डिपॉजिट पैसा करो 7-8 साल में कहीं डबल होगा, लेकिन इसमें 4 दिन में ही डबल, 4 दिन में ही ये डबल हो जाएगा। इसका इतने महत्व है, इसलिए जिनकी इच्छा होगी हम भगवान के नाम जप करना चाहते हैं, अब लोग कथा को बाद में माला एक एक लेकर के जाना। यहाँ पर तो करके हमारी भक्त लोग बैठे ज़्यादा, और जो नए होंगे अगर हो तो आप लोग माला लेकर जप करना, ठीक है। कृष्ण रुक्मिणी तैयारी हो गई कि नहीं, तैयारी हो गई कृष्ण रुक्मिणी हो गई कि नहीं? हाँ अब देखो अभी हाँ प्रभु जी इधर आ जाओ, ओम गिरी प्रभु जी, ओम गिरी है ना उनका पत्नी का नाम, कल्पना देवी। हाँ प्रभु जी, ओम गिरी प्रभु जी, प्रभु जी इधर आ जाओ, आप आ जाओ। और आपकी पत्नी कहाँ है, आपकी पत्नी कहाँ है? कल्पना, कल्पना है ना, उसको बुला दो थोड़ी सी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखो ये जो महीना है ये अधिक महीना है, हाँ ये माह महीना को पुरुषोत्तम महीना कहते हैं। ये महीना 3 साल के बाद में ये महीना एक बार आती है। अगर ये महीना में जो भगवान की जो भक्ति, क्योंकि साधारण लोग इसी महीना आने पर कोई शुभ कर्म नहीं करते, कोई गृह प्रवेश नहीं करते, कोई व्यक्ति शादी विवाह नहीं कराते, कोई भी शुभ काम को नहीं करते, इसलिए ये महीना बड़ा दुखी होकर के भगवान के पास में श्री पुरुषोत्तम श्री भगवान जगन्नाथ जी के पास में पहुँचे। बोले प्रभु ये कोई जीवन है, हैं आता हूँ 3 साल के बाद में, फिर आए तो मेरे को साधारण लोग क्या कहते हैं, मलमास 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 कहते, गंदा मास कहते हैं, फिर इसी महीना में कोई शुभ काम नहीं करते, इसको कोई जीवन कहते हैं? इसलिए तो अच्छा है मेरे को जान से ख़त्म कर दो। भगवान बोले कोई चिंता मत करो, तुमको साधारण लोग तो आदर नहीं करेंगे, लेकिन जो भक्ति करने वाले लोग तुमको बड़े प्यार करेंगे। अगर इसी महीना में ठाकुर स्वयं कहते हैं, आप लोग वृंदावन गोवर्धन इसी महीना में कभी गए, अब देखे होंगे हजार हजार लोग माता जी गई, हजार लाख लाख लोग परिक्रमा करते हैं वृंदावन में, तो इतने लोग उस परिक्रमा का दिन भर परिक्रमा करते हैं, कहीं सत्संग कहीं भागवत कथा, ये भगवान का वरदान है। इसी महीना में अगर एक गुण कोई पुण्य कर्म करे उसको हजार गुण फल मिलेगा, एक माला करे तो हजार गुण माला करने का फल मिलेगा। इसलिए इसी महीना में लोग जो भक्ति, इसी महीना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। हाँ विशेष करके इसी महीना में जो भागवत कथा है ना, इसका बड़ी महत्व। प्रभु जी कहाँ गए, ओम गिरी प्रभु जी को बुला कर लाओ, दोनों पति पत्नी को जल्दी बुला कर ले। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय राधा रमण हरि, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय राधा रमण हरि। देखो इसी महीना में विशेष
प्रवेश करके भागवत कथा की बड़ी महिमा इसी महीना में, ये शास्त्र में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, लेकिन इसी महीना में इनका इन्होंने नया घर बनाया, इसलिए नए घर में उन्होंने देखो इन्होंने साधारण लोग क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा डिस्को ध्यान डीजी लगा करके कोई घर को अगर ओपन ही करे पता नहीं कितना बोतल तोड़वा देते हैं और कितने जानवर को मार डालते हैं। साधारण लोग को क्या करते यही तो करते हैं ना, इसलिए हमारे जो बड़े गुरुजी थे बोले देखो सुबह काम में ये बोतल नहीं तोड़वानी चाहिए। बोतल मतलब क्या, उनको शराब पिलाना मांस खिलाना है। जिस घर में ये बोतल और मांस खाते हैं ये पाप कर्म है, वो घर का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। जिस बच्चे का बर्थडे में ये सब काम करते हो बच्चे का कल्याण नहीं होता, सो परमायु खत्म होती है। लेकिन देखो ये दोनों पति पत्नी ने बोले नहीं, ये 3 साल में अधिक महीना आता है, भले ही हमारी गृह घर कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हम घर में क्या करेंगे भगवान की भागवत कथा कराएंगे। और भागवत कहता है जिस घर में भागवत कथा हो बोले सर्वाणी तीर्थानी बसंती तत्रा, पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर ये भागवत कथा हो है। लेकिन ये दोनों ने घर में भक्तों को बुला करके 7 दिन तक देख रहे हैं ना, 7 दिन तक कैसे उत्सव हो रहा है कैसे आनंद हो रहा है, इन्होंने ये भागवत कथा कराई। और एक बार भी उन्होंने अपना घर में है वहाँ पर भी उन्होंने भागवत कथा कराए थे। ये 4 भाई है और उनकी 4 पत्नी 5 भाई है और उनकी 5 पत्नियाँ, ये सब के सब बड़े भक्ति पहले किसी संतों से ये लोग जुड़े हुए थे। जब वो संत चले गए फिर ये लोग भक्ति धीरे धीरे घट रही थी, लेकिन हमारी साथ में फिर परिचित हुई, फिर रूबी ने फिर परिचित करवाए, फिर इन लोगों ने फिर इनका पूरा परिवार के बच्चे हैं, इनका पूरा परिवार के बच्चे भगवान के नाम लेते हैं भगवान की भक्ति करते हैं। ये 4 के 4 भाई और इनको जितने दामाद ये जो खड़े हैं प्रभु जी, इसलिए इनके जितने दामाद है इस महीना में तो इनके घर में कथा होने का थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, इसलिए इन लोगों ने जो भागवत कथा दान दिया है। राधा रानी स्वयं कहती हैं जगत में बहुत बड़े बड़े दान हैं लेकिन वो दान एक दिन खत्म हो जाती हैं, लेकिन जो भागवत कथा की दान करती है राधा रानी स्वयं कहती हैं, कहते क्या है बोले भूरी दा जना, जगत में सबसे बड़ा दान है जो भगवान की कथा दान करते हैं। कितने लोग को सुने, कितने लोगों का उद्धार हुआ, मन की भावना चेंज हुई, इसका फल किसको मिलेगा, ये दोनों को ही मिलेगा। इसलिए हम श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं और राधा रानी गुरु वर्ग से ये दोनों खूब फल के फूलते रहे और खूब ऐसे भागवत कथा करें। और उनकी पत्नी तो कल बोल रही थी बोले महाराज हर साल हम ये कथा करवाएंगे, इस बार कोरोना हुई इसलिए ज़्यादा भक्तों को हम बुला नहीं पाए, हम तो हर साल ही ये कथा करवाएंगे। देखो पैसा का नाम कहते लक्ष्मी, लक्ष्मी किसकी है नारायण की है, अगर ये लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगेगी ना फिर तो ये घर में शांति सुख देती है, अगर ये लक्ष्मी नारायण की सेवा में नहीं लगेगा उल्टा पुल्टा चीज में लगेगा, घर में पैसा तो आएगी लेकिन वो लक्ष्मी घर में सुख शांति नहीं देगी, घर में लड़ाई झगड़ा अशांति घर में ला देगी, क्यों लक्ष्मी भगवान की है, उनकी सेवा में लगने पर ही ये लक्ष्मी ये जीवन में हमें शांति सुख देते हैं। इसलिए हम ये दोनों की तारीफ करते हैं जय जयकार करते हैं दोनों पति पत्नी। देखो ये जो कोरोना के समय हुआ ना, अभी तो कोरोना के समय जैसे हम संत लोग हमारा तो कोई वृत्ति है ही नहीं भिक्षा का धर्म वृत्ति, हम जगन्नाथपुरी में रहते समय भी ये दोनों पति पत्नी ने जैसे दाल है चावल है गेहूँ है और इन लोगों ने वहाँ पर संतों को यहीं बैठी बैठी करके फिर उन्होंने वहीं पर उन्होंने हम लोगों को मंदिर के लिए उन्होंने दाल चावल रूप सनातन मठ के लिए उन्होंने यहीं से बैठी बैठी करके उन्होंने सेवा की। कभी कभी होता ना पत्नी अगर भक्ति में हो पति कभी पीछे होता है, अगर पति अगर पीछे हो पत्नी टेढ़ी रहती है आगे हो पत्नी टेढ़ी, लेकिन ठाकुर जी ये दोड़ी दोनों जोड़ी की अच्छी बनाए हैं, ये दोनों के हृदय में ना सेवा करने की बड़ी भावना ये दोनों के हृदय में पाली, इसलिए ठाकुर जी ये दोनों को खूब फलते फूलते रहे। देखो ठाकुर को सेवा कर रही है ना भक्ति, देखो ये घर कैसे बनाए राजमहल जैसे बनाए, क्यों कारण क्या, लक्ष्मी कहाँ आती है, लक्ष्मी वहीं पर आती है जब ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं, इसलिए ये दोनों को ठाकुर जी खूब कृपा करें। इसलिए आप ताली बजा करके ये दोनों को और इनका जो परिवार है जो भाई इनके परिवार के जितने बहू हैं जो बच्चे हैं ये सब के सब भक्ति करते हैं, इसलिए इनके सब परिवार के लिए आप जोरदार ताली बजा ठीक है। और इन्हीं कथाओं में हमारे श्री डोरीलाल प्रभु कहाँ गए, डोरीलाल जी ऊपर में डोरीलाल बड़े सुंदर उन्होंने
ब्रज की रसिया गाए, हमारे क्यासियो वाले, हमारे ढोलकी वाले श्री श्रीधाम प्रभु जी, पेड़ वाले श्री श्रीकांत प्रभु जी, बड़े सुंदर म्यूजिक में उन लोगों ने संगत दिया। अब इनके लिए भी जोरदार ताली। और ये कथा में हमारे श्री अनिरुद्ध प्रभु जी, अभी जो ब्रह्म विमोहन कथा सुना है, और हमारे श्री चैतन्य चंद्र चिराग प्रभु, आप लोगों ने दोनों सुना है ना, कितने सुंदर कथा सुना रहे। ये दोनों ऐसे नहीं कि जो ब्रह्म विमोहन जो कथा, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये नौकरी करना है, लाख रुपया इसकी तनख्वाह है, लेकिन यही बैठी बैठ कर कंप्यूटर में सारे काम करता है। देखो, और चिराग जो चिराग है, ये भी इंजीनियरिंग किया हुआ है, ये भी अच्छा लिखा पढ़ा लड़का है, ऐसे नहीं अनपढ़ बच्चे नहीं, सब लिखे पढ़े बच्चे हैं। हम लोग क्या करते ना, थोड़ी लिखा पढ़ा सीख जाए ना, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब बेकार चीज है। नहीं, ये सब लिखे पढ़े सीखते हुए भी देखो कैसे सुंदर सुंदर कथा सुना रहे थे। इसलिए आप इन दोनों के लिए भी खूब देर ताली बजा, बढ़ते बढ़ते फलते फूलते रहे, आगे ऐसे कथा सुनाए। और हमारे राहुल प्रभु जी, ये भी बड़े सुंदर, ये भी बोकीले है, ये साधारण लड़के के बोकीले का काम करता है, ये जो फटो ले रहा है ये बोकीले है। इसलिए हाँ, ठाकुर जी इनको भी आशीर्वाद दे, खूब सेवा करता है हमारे। और हमारे जो जो माइक वाले भैया, बहुत अच्छा उन्होंने माइक ऑपरेट किया, ठाकुर इनको भी आशीर्वाद दे। और आप लोग मेरे ऊपर में भी आशीर्वाद करो, मेरे ऊपर में कृपा करो, मेरे ऊपर में भी कृपा करो, जैसे मैं भी आप लोगों की ऐसे सेवा करते रहूं, हैं, आप लोगों को सेवा कर पा, मेरे को भी आशीर्वाद देना। और जितने कथा सुनने के लिए आए हो, एक भागवत कथा में सबसे ज्यादा फल किसको मिलेगा, जो कथा सुनने वाला है, क्योंकि जैसे कथा की आयोजन हो गया, मैं भी आ गया, म्यूजिक वाला आ गए, लेकिन अगर आप लोग नहीं होते ना, अगर परीक्षित महाराज नहीं होते, फिर सुखदेव गोस्वामी कथा किसको सुनाते, कथा किसको सुनाते, सुना नहीं पाते। इसलिए आप लोग सब परीक्षित है, इसलिए जितने श्रोता आप लोग आए, आप सभी के लिए मैं ठाकुर को प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी आपको सबको शांति सुख दे, और खूब आप भी फलते फूलते, आप लोग भी फलते फूलते रहो, ठीक है। और जो हमारे माताएं बड़े सुंदर सुंदर यहाँ पर हम लोगों के लिए भोजन भी बनाए, बड़े सुंदर सुंदर रोज रोज नए नए हैं पद बना करके हम लोगों को खिलाए। इसलिए ठाकुर जी इनको पर भी आश्रित है। जो रूबी है ना, रूबी दीदी, देखो ये जो बेटी है ना, ये शादी हुई है ग्रेटर नोएडा में, देखो इनका परिवार भक्ति में कैसा है, इसकी वजह से आई, ये शादी हुई ग्रेटर नोएडा में, और वहीं पर हम आते थे, एक विशा गाती थी, हमें बुलाती थी, तब उन्होंने हम लोगों को देखा, देख करके फिर इसने अपना परिवार में बोले वहाँ पर के संत आते हैं, उनको भी घर में बुलाओ, उनको भी कथा कराओ। फिर इसने पहले हरिनाम माला ली है, ले करके फिर उसने पूरा परिवार को उसने धीरे धीरे, और इसी महीना में इसकी घर में कथा होने का थी, पहले बोल दी थी, बोली महाराज जी ये कथा हमारी घर में हुई है, लेकिन ये कोरोना की वजह से वहाँ नहीं हो पाई, लेकिन उनकी परिवार में हो गई। इसलिए ठाकुर सब लोगों को ठाकुर जी आशीर्वाद कृपा करे, हम लोग को फलते फलते रहो। दोनों तैयारी हो गए हैं, हाँ ठीक है, प्रभु जी बिल्कुल, हाँ देखो तो कल है, हाँ आज तो कथा की विश्राम हो जाएगी, कल है यज्ञ है, हम लोग यज्ञ करेंगे, कर करी ना 10 बजे ऐसे यज्ञ शुरू होगी, उसमें वो यज्ञ साधारण यज्ञ नहीं जो पंडित लोग करते हैं, इसमें भगवान नरसिंह देव का यज्ञ होगा। नरसिंह भगवान कौन है, जैसे प्रहलाद के ऊपर में बड़ी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन नरसिंह भगवान की कृपा से कुछ उनको कोई बिगाड़ नहीं पाए, वो नरसिंह देव की यज्ञ होगी। वैसे आहुति होगा, जैसे जिसको घर में कोई काल सर्प का जो उल्टा पुल्टा ग्रह है, इसलिए अगर आप लोग हो सके अपना घर से थोड़ी सी अगर घी हो, नहीं तो कोई गोला हो, नहीं तो थोड़ी सी हवन सामग्री हो, लेकर के आना है, और कल यहाँ पर हवन में सम्मिलित होकर हवन करना, और उसको बाद में आप सभी के लिए प्रभु जी प्रसाद की व्यवस्था करेंगे, और व्रत वाले प्रसाद होगा ना, हाँ जैसे हमारे जो भक्त लोग अभी व्रत रख रहे हैं, आपकी लायक सब प्रसाद होगा, इसलिए आप लोग सबके सब आना, यज्ञ में भाग लेना, और यहाँ से सबके सब प्रसाद लेकर के आप सबके सब जाना, ठीक है, ठीक है। आप दोनों बच्चों को, हाँ देखो एक मिनट, कहते श्री भगवान कृष्ण अभी शादी होने वाले, अभी होली भी होगा, प्रभु जी होली भी गाएंगे, होली का आनंद लेकर के जाना, हाँ देखो, कहते श्री भीष्मक, थोड़ी सी रास्ता, कहते श्री भीष्मक, कहते इनके 5 बेटे थे, और इनकी सबसे छोटी जो बेटी थी ये सख्यात रुक्मिणी, ये माँ लक्ष्मी थी। अभी पिताजी का तो इच्छा है
हमारी बेटी की शादी कृष्ण से हो, लेकिन घर में पिता माता की बात चलती नहीं, चलता है बड़ा बेटा का बात। उनका जो बड़ा बेटा रुक्मी था, बोले क्या कृष्ण को साथ में शादी कराएंगे? वो बचपन में गैया चराया करता था, इसलिए भैया ऐसे ऐसे ग्वाला से हमारी बहन की शादी नहीं होगी, हम तो किसी राजा महाराज से शादी कराएंगे। बोले किससे? बोले शिशुपाल से। अभी रुक्मिणी को जब पता चली ना, तब उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाए, एक सुंदर एक पत्र लिख करके उन्होंने कृष्ण को पास में भेज दिया। कृष्ण पीली पत्र दे करके समझ गए ये कोई शादी की पत्र है, और कृष्ण जो पत्र को पढ़े ना, उन्होंने कृष्ण रुक्मिणी को नहीं देखा, रुक्मिणी कृष्ण को नहीं देखे, लेकिन ये पत्र में इतना सुंदर भाव अभिव्यक्त थी, कृष्ण उसे रीझ गए। बोले प्रभु जगत का पति तो आप ही हो, जब तक ये स्त्रियां आपको पति रूप में प्राप्त नहीं करे, कितना ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरी गोपाल जुसो जो चड़ल अमर हो जाए। इसलिए प्रभु आप तो जगत पति जगन्नाथ हो, जब तक आप मेरे को उद्धार नहीं करोगे, मैं जन्म जन्मांतर तक तो प्राण त्याग कर सकती हूँ, लेकिन ये सियार को मैं ग्रहण नहीं करूंगी। आप शेर हो, अगर शेर का हिस्सा अगर सियार ले लिया ना, बदनामी किसका? बोले शेर का। इसलिए प्रभु मैं प्राण त्याग कर दूंगी जब तक आप मेरे को उद्धार नहीं करोगे। बड़े सुंदर सुंदर भाव का अभिव्यक्त करते हुए कृष्ण के पास में उन्होंने पत्र लिखे। कृष्ण ये पत्र पढ़ करके ब्राह्मण को बैठा करके भगवान कृष्ण आ गए। शिशुपाल को जो पता चला ये बचपन में कृष्ण को प्रेम करती थी है, इसलिए उसको पता कृष्ण का पराक्रम किया, वो पहले ही सैन्य सामंत को लेकर के आया था। बोले अगर कृष्ण बीच में आएगा ना, सब मिल करके उसको युद्ध करके परास्त करेंगे। चारी तरफ में घेर गए हैं, चारी तरफ में। इतने में रुक्मिणी ये भी लिख दी, आप मेरे को उद्धार कैसे करोगे? बोले हमारी एक नियम है, बेटी शादी से पहले अपना घर से वो माँ देवी मंदिर में जाती हैं पूजा करने के लिए। जब मैं पूजा करने के लिए जाऊंगी, आप अपना पराक्रम दिखाते हुए मेरे को बीच से अपहरण करना। उन्होंने सब कुछ लिख दिया। इतने में सारे सैन्य सामंत चारों तरफ में घिरे हुए। रुक्मिणी अपना सहेलियों के साथ में देवी पूजा करने के लिए गई। जब वहां पर स्वयं शंकर और स्वयं देवी वहां प्रकट हो गई, प्रकट होकर के वेद मंत्र से उन्होंने उनको शादी करवा दिया, लेकिन ये चीज किसको पता ही नहीं चला। इतने में कृष्ण जब रुक्मिणी जब निकली पूजा करके, रुक्मिणी कौन है? माँ लक्ष्मी। कहते माया कौन है? उनकी बहिरंगा शक्ति माया है, और उसको द्वारा ये जगत मोहित है। रुक्मिणी इतने सुंदरी थी, उसने अपना घूंघट को केवल उतारी, मेरे प्रियतम कहाँ पर जो घूंघट को उसने उतारी, इतने सुंदरी थी। वहां पर जितने राजा लोग थे, रुक्मिणी की रूप देखकर सबके सब वहीं पर बहस हो गए। इतने में कृष्ण बीच में प्रकट हुए और रुक्मिणी को हाथ पकड़े और उन्हें रथ में बैठाए। रुक्मिणी अपना जो सहेलियां थी, बोले राम राम मैं तो जा रही हूँ, हैं मैं अपना प्रियतम के साथ में जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद में जब होश आया ना राजाओं का, बोले भैया रुक्मिणी कहाँ गई? बोले जिसका था उसने ले गया। बोले तो मारो मारो पीटो पीटो। इतने में स्वयं बलदेव प्रभु आए। बोले कन्हैया कोई चिंता मत कर, रुक्मिणी लेकर तू जा, मैं इनको निपट देता हूँ। उन्होंने हाल मुसल को निकाले और मार मार करके उन्होंने सबको वहां से भगा दिए। और कृष्ण रुक्मिणी द्वारका में गए ले आ उनको। बड़े धूमधाम से कृष्ण रुक्मिणी की शादी हुई। बोले श्री रुक्मिणी रामायण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। कृष्ण रुक्मिणी आएंगे, जिसको जो चढ़ाना हो ना, अब कृष्ण रुक्मिणी आएंगे, जो कुछ चढ़ाना उनको चढ़ा देना, जो कपड़ा लेकर के आए और कुछ चढ़ाना चाहते आ जा। हाँ बोलो प्रोजेक्ट मिनट रुक जा, जल्दी आ जा, इनको दोनों हाथ में दो माला दे दो। बोले श्री रुक्मिणी रामायण भगवान की बच्चा आ जा। बोले श्री कृष्ण के नैया रुक जा, एक मिनट इनका माला बदला हो गया, आ जाओ जरा मेरे माला दे दो, उसका हाथ में माला दे दो। देखो पहला आप बैठिए बैठिए, मैं इनको माला पहना दो, पहना दो।
श्री रुक्मणि रामायण भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। देखो भगवान की शादी में जो नाचेगा ना, फिर 84 लाख जन में नाचना नहीं पड़ेगा। इसलिए सबके साहब हम तो साधारण शादी में मेन रोड में नाचते हैं। अभी ठाकुर का शादी सबके सब नृत्य करेंगे, और जो भक्त नहीं नाचेंगे वो जो नृत्य करेंगे ठाकुर के दरबार में उनका स्वागत करेंगे ताली बजा। Thank you.
Hey,
विधिवत लेके आया। अरे दर पालो जय हो जय ब्रह्मानंद सिंह लाल जी की।
महाराज जी मेरा एक निवेदन है, ये मस्त महीना है और आज अंतिम समय है, महाराज एक होली तो बहुत छोटी सी हो जाएगी। दो कर देना। हाँ दो तीन महाराज जल्दी भी करूंगा, दो तीन चार होली हो जाए, थोड़ा विशेष आनंद हो जाए, क्योंकि जीवन में कोई पता नहीं जिंदा रहेंगे या मरेंगे। जय जय श्री राम। हरि रखिया की रंग मत डारे अरे सांवरिया, I'm gonna make you mine.
सकती है। अरे बहना ना बताइए कितने की है, सवा आती है। अच्छा ये फिंगर जो वो कौन ने गई है, सास ने, कौन ने गई है, सवा लाख की मेरी Thank you.
मेरी पुछी बता।